नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कोरोना स्पेशल बुलेटिन। वो इसलिए क्योंकि कोरोना से जुड़ी बहुत सारी खबरें अभी सामने आई हैं। कुछ इम्पोर्टेंट खबर है जो आपको जाननी चाहिए और कुछ ऐसी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैल रही हैं और कुछ ऐसे मीम्स बनाए जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आप हंसेंगे भी और सोचेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। इसीलिए स्पेशल बुलेटिन कोरोना वायरस को लेकर हम आए हैं। हमारे साथ गौतम भी हैं। गौतम, आज हम लोग स्पेशल बुलेटिन में क्या कुछ दिखाने वाले हैं? स्पेशल इसलिए क्योंकि कोरोना को लेकर जहां पूरे देश में एक तरीके से लोग सोच रहे हैं कि ये है क्या, इसको कैसे जल्दी इससे निजात पाया जाए, लेकिन सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से जो चीजें ट्रेंड कर रही है उसमें अगर हम तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करें तो आज की ये जो तस्वीर देखिए कि किस तरीके से हवाई जहाज के ऊपर भी मास्क लगाया हुआ है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाएंगे तो आपको कैसे बच के रहना है, कहने का मतलब ये है। तो इसको लोगों ने बहुत ट्रेंड किया है, बहुत पसंद किया। वहीं सिगरेट पीने वाले लोगों ने भी बिल्कुल ये नया इजाद कर लिया है। हाँ, अपने अंदाज में उन्होंने मास्क पहना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ लकड़ियों के कटिंग को भी मास्क के रूप में कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। इतना ही नहीं, जिनके पास मास्क नहीं है वो जूते पहन रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बचा जाए, लेकिन ये इनका अपना तरीका हो सकता है और देसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से तसली में बांध करके, जिसको हम लोग तसली बोलते हैं देसी भाषा में, तो उसको ये बताने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भी आप देखें कि अलग अलग कपड़ों, अलग अलग तरीके के मास्क जो है ट्रेंड करते हैं। तो ये भले ही उनको इस बात का इल्म ना हो कि कोरोना से कितना नुकसान हो रहा है पूरे देश भर में और कितने खामियाजा भुगतना पड़ रहा है तमाम देशों को, लेकिन एक ट्रेंड है जो चल चुका है और जिनके पास कटोरी भी है तो उस कटोरी के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसके अलावा गांधी जी नोट पर भी गांधी जी को उन्होंने मास्क पहना दिया है जी। तो ये भी एक सोशल मीडिया का ट्रेंड है जिसमें महात्मा गांधी नोट को में और गौतम, हम लोग वो भी नहीं भूल सकते हैं कि सबसे स्पेशल, ये सारी शायद आप लोगों ने फोटोज और जगह देखी होगी, लेकिन हम आपको एक स्पेशल चीज सुनाने वाले हैं कोरोना चालीसा। बिल्कुल, ऑडियो के माध्यम से हम आपको सुनाने की कोशिश करेंगे एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप इसको सुनकर काफी एंजॉय भी करेंगे और आप सोचेंगे कि कितने क्रिएटिव हैं लोग। अमूमन ऐसा राजनीति में जब कोई बड़ा होता है तो जैसे लालू चालीसा या फिर मोदी चालीसा के बाद जो ट्रेंड अभी कोरोना का चल रहा है तो ये उसका एक म्यूजिक है जी। बिल्कुल, आप थोड़ा सुनाने की कोशिश करेंगे और इस म्यूजिक के जरिए फ्लैशबैक में जो म्यूजिक आ रही है बिल्कुल गौतम, और ये सब बिल्कुल ट्रेंड कर रहा है अभी सोशल मीडिया पर और ये आप सुन भी सकते हैं और पूरी जानकारी दी गई है इस चैनल में, कैसे चीन से आया है, कैसे फैला है, तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर चर्चा की गई है। तो कहने का मतलब ये है कि उसको लेकर भी ट्रेंड है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें बिहार झारखंड की खबरों की तो उस खबरों के साथ साथ आज मुर्गा रामगढ़ में जिस तरीके से आप देखें कि ये मुर्गा जो अमूमन बंद पिंजरे में रहता है बेचने की कोशिश की जाती है, वहां पर मुर्गों पर आतंक कहले के आया हुआ है और मुर्गा जो कल तक बड़ा स्वादिष्ट और लजीज व्यंजन हुआ करता था तो उसके रामगढ़ में मुर्गे जो है जंगल में यूं ही घूम रहे हैं, उनको छोड़ दिया गया ताकि किसी तरीके से बीमारी से बचा जा सके। तो ये चीजें बहुत तेजी से वायरल हो रही है। वहीं नालंदा में भी अगर आप देखें कि नालंदा में किस तरह से आज मुर्गा जो है आप देखिए कि बांटे जा रहे हैं और लूटे जा रहे हैं, तो वो बचाव कर रहा है और ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ये आज बिहार के बच्चे हैं जिन्होंने आज मुर्गों पर अटैक किया है। तो मुर्गे खुलेआम ये चर्चा में है कि मुर्गे की हर अलग अलग जगहों पर किस तरीके से लूट हो रही है, तो ये तस्वीरें बयां करने के लिए है और एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में जो मुर्गे हैं वो आज छोड़ दिए गए हैं जिसको पकड़ने के लिए मासूम बच्चे जो है
अब उसको जुगाड़ टेक्नोलॉजी के जरिए पकड़ रहे हैं और दोनों हाथों में मुर्गा पकड़ के ले जा रहे हैं। अमूमन होता है गौतम कि हम लोग मुर्गा जो है खरीद कर खाते हैं और खरीदने जाते हैं तो बहुत महंगा बिकता है, लेकिन अभी इसका दाम जो है वो काफी कम हो गया। लेकिन इसी बीच आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया से ही ये अफवाह फैली है कि मुर्गे में कोरोना वायरस का संक्रमण है, इसलिए मुर्गे को नहीं खाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ रियलिटी में ऐसा है नहीं, ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर यह अफवाह जो है वो फैल रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी न्यूज़।